न्याय की गुहार लेकर कलेक्टर के सामने धरने पर बैठा परिवार। बिजनौर पुलिस पर लगाया आरोपियों से हमसाज होने का आरोप। बिजनौर के मंडावली में एक माह पूर्व हुई 11 वर्ष बच्ची की दुकान में संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में कार्रवाई की गुहार लगाते हुए एक परिवार आज कलेक्टर में धरने पर बैठ गया। पीड़ित परिवार ने मंडावली पुलिस पर आरोपियों से हमसाज होने का आरोप लगाया है। दरअसल बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम माजरा मुजाहिद पट्टी के रहने वाले शाहिद पुत्र अब्दुल रशीद आज अपने पूरे परिवार के साथ बिजनौर कलेक्टर में 11 वर्ष बच्ची की मौत के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज होकर मंडावली पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गया है। पीड़ित शाहिद का कहना है कि उसका मंडावली थाना क्षेत्र के कोटावाली नदी के पास एक परचून की दुकान है, जिसमें रात के समय प्रभाती वे उसका लड़का हमजा रुक जाते हैं। 15 अक्टूबर की रात को भी प्रथाती लड़का हमजा दुकान पर ही सो रहा था, तभी रात के समय उसकी दुकान में चोरी कर बच्चे को जहर देकर हत्या कर दी गई थी। प्रार्थी का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसके 11 वर्ष बच्चे हमजा की मौत सांप के काटने से बताकर मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़ित का कहना यह भी है कि जब वो थाने कार्रवाई की मांग को लेकर जाता है तो मंडावली थाना अध्यक्ष नरेंद्र गौड़ उसे के खिलाफ कभी 151 की और कभी 1716 की कार्रवाई कर उसे पीड़ित करते हैं। शाहिद ने एक शिकायती पत्र मंडावली पुलिस के खिलाफ और अपने बच्चों के हत्यारे को पकड़ने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी पर, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश की सभी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।